मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कूलर की मोटर का डाटा कैसे लेते हैं। कूलर की मोटर में हमारे को क्या क्या चीज पता करना होता है, स्लॉट पता करने होते हैं, स्टेटर साइज पता करना होता है, स्टार्टिंग पिच पहले पता करनी है कि कौन सी कहाँ कहाँ कॉइल डाली है, SWG तार का नंबर पता करना है, कॉइल साइज पता करना है, रनिंग का भी पता करना है आपको, पिच पता करनी है, तार नंबर पता करना है, कॉइल साइज पता करना है। तो अब मैं आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने ये बता रहा हूँ कि ये हमारे को चीज़ें पता करनी है। तो पहले हम इसमें मोटर में आते हैं कि मोटर में कैसे हम इसको इसकी पता करेंगे क्या क्या चीज़ कहाँ स्लॉट कितने हैं। तो सबसे पहले मोटर में, अब इसमें ज़रा आप गौर से देखोगे ये मोटर सड़ी हुई है, तो इसको मैं पहले आपको डाटा लेना बता रहा हूँ कि इसको अगर आपके पास, मैं हर को ये कहूँगा कि डाटा उसको खुद लेना चाहिए। तो अगर उसको डाटा खुद लेना आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर वो डाटा लेना चाहे तो। तो ये डाटा उसको खुद लेना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले ये आपके अंदर की स्टार्टिंग गियर वाइंडिंग है, ये आपकी बार वाली रनिंग गियर वाइंडिंग है। तो पहले स्टार्टिंग की पिच ली जाएगी, रनिंग की नहीं। तो उससे पहले क्या करेंगे हम, आपको सबसे पहले इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप कनेक्शन आपके इस साइड से निकल रहे हैं तो कनेक्शन आपके, आप अगर इधर से निकालेंगे तो आपको फिटिंग में दिक्कत आएगी। तो उससे पहले आप क्या करो, मोटर खोलने से पहले आप तीन निशान लगा लो आप कहीं पे भी। ये तीन निशान लग गए, आपको पता चल गया ये तीन निशान लग गए ना, ये वाले कट। तो आपको ये आप इस साइड से आपके कनेक्शन निकलने चाहिए। पहले तो आप ये निकाल लो आप कनेक्शन, भी आपके कनेक्शन इस साइड से निकलने हैं। अगर आप कनेक्शन इस साइड से निकालोगे तो ये टापे की शक्ल जो है या टापा जो फिटा है, क्योंकि शाफ्ट इसकी जो है उस साइड से निकल रही है, तो फिर इस साइड से निकलेगी और फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या कि भाई आपको डाटा लेना है रनिंग का, स्टार्टिंग का सॉरी। तो स्टार्टिंग का लेने से पहले आपका ये अंदर कॉल कैसे कैसे डली है, पहले तो आप पीछे देख लो इसकी। सर ये कैसे पता लगेगा स्टार्टिंग कौन सी रनिंग कौन सी? ये जो अंदर वाली है वो आपकी स्टार्टिंग की होती है, बाहर वाली जो आपकी रनिंग होती है। तो पहले आपका इसमें बता रहा हूँ ये, आप जरा गौर से पहले आप देखो कि भी इसकी पिच कैसे है, कॉइल कैसे डली हुई है। ये डली हुई है आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3-8 है, 3-8 है। तो पहले आप 3-8 तो पहले लिख ही लीजिए कि 3-8 आपका ये हो गया। तो 3-8 आपको पहले लिखना है कि इसका 3-8 है। तो पहले तो आप पहले स्टेटर साइज आपने लेना है, सॉरी स्लॉट लेने हैं कि स्लॉट कितने हैं। तो स्लॉट कितने हैं इसके वो पहले गिन लो आप। सबसे पहले आपने स्लॉट लेना है, फिर स्टेटर साइज लेना है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 चौके तो आपका 36। तो 36 इसके जो है स्लॉट हैं, तो आपके जो स्लॉट हैं वो 36 हैं। इसके आगे मैं लिख रहा हूँ 36 स्लॉट हैं। स्टेटर साइज कितना है आपको फुटे से लेना है स्केल से। तो आप इसको कभी भी इंची टेप से नहीं लेना चाहिए। तो आपने जब ये लेना है तो ये स्टेटर साइज ये है आपका। अगर आप पास इंच से ले सकते हो, इंच है तो एक इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप स्टेटर साइज में लेंगे तो ये आपका 1.27 सेंटीमीटर के आसपास है। तो आप चाहे इसको एक इंच लिखें, ये आपका 2.7 सेंटीमीटर है या एक इंच है, तो एक इंच का है या आपका ये आपका एक इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आपका स्टेटर साइज हो गया। अब आपकी पिच की बात आ गई है, तो पिच तो पहले आप स्टार्टिंग की पिच लेंगे। तो स्टार्टिंग की पिच लेने के लिए ये कॉइल डली हुई है आपकी, तो ये आपका सबसे पहले छोटी कॉइल का लेंगे 3, 4, ये 1, 2, 3 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 3-8 है। तो 3-8 में ये आपका इसका आगे आप 3-8 की एक आपकी पिच है ये, तो 3-8 कितनी बार डली है वो आपने फिर देखना है। उसके बाद पहले तो आप ये, उसके बाद फिर 2-9 होगा, अपना भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद 2-9 होगा। उसके बाद फिर आपका 1-10 है। अब ये कितनी बार डलनी है
और घुमाने कितनी बारी है वो आपका आपको देखना है कि कैसे है। तो आपको पहले आप कोई भी खोल लो, पहले पहले आपको सबसे बड़ी मोटर, सबसे ये इसका बीच का जो पेपर है जो आप झाड़ लो, ये वाला बीच वाला, क्योंकि डाटा अगर आप खुद लेंगे तो आपको डाटा लेना, अगर आपको आ गया तो कोई भी मोटर आपके पास आ जाएगी, तो डाटा लेने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए थोड़ा उसको सीखना पड़ेगा। तो पहले आप सबसे बड़ी आप लंबी वाली कॉइल जो है आपकी जो 1:10 है उसको आप पहले आप देख लो, आप लोग इसको उसको काट लो पहले 1:10 वाले को। अब ये आपके पास कटर है या कुछ, आप इसको एक बार इससे यहाँ से काट लो। ये आपने काट लिया है यहाँ से एक साइड से, तो आप इसको इधर से भी आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको चोट मारनी पड़ेगी ताकि आपका ये दब जाए कॉइल। ये आपके अंदर की कॉइल है ये वाली, तो इसको आप थोड़ा सा इसको पेच कर से इधर को कर लो। तो ये थोड़ा आपको दबाना पड़ेगा चोट मार के, क्योंकि नरम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कॉइल साइड भी लेना है इधर से भी। तो आप इसको सीधा कर लो पहले, तो अभी कितनी बार घूमी हुई आपको पता चल ही जाएगा। फिर ये यहाँ से आप निकालेंगे आप, तो ये 1:10 की मैं निकाल रहा हूँ आपकी। ये कॉइल मुझे लंबी काट निकालनी पड़ेगी आपको, मैं पहले बता रहा हूँ कि क्योंकि हमने इसका कॉइल साइज भी लेना है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जिसने कभी वीडियो में अभी डाटा नहीं लिया, जो तो जिनको पहली बार काम सीखना चाहते हैं वो वीडियो के द्वारा यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, तो उनको ये लंबी कॉइल को पूरा ही निकालना पड़ेगा ताकि उनको कॉइल साइज भी पता चल जाए। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आप कुछ आप सीखना चाहते हैं। तो ये आपको ये आपकी ये एक निकल गई 1:10 की निकल गई। अब आ गई ये आपकी, ये अगर आप देखेंगे अब ये 1:10 निकल गई, तो अब ये आपका हो गया 2, ये आपका 2:09। तो 2:09 में कितनी बार निकलती है वो आप देखो। अब इसमें मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि भी कितनी बारी है ये, ये 2 बारी है ये, ये देखो 1 और 1 2। तो पहले आप कॉइल को निकाल लो कि कौन सी पहले आराम से, क्योंकि ये मैंने पेज कैसे की हुई है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, पर आपको ये थोड़ा ये समझ आना चाहिए कि भी आपको कॉइल कैसे निकालनी है। टैंपिंग भी आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए और कॉइल भी नहीं टूटनी चाहिए। ये इस तरह से हो गया, और इसकी टर्न्स जो हैं वो आपको गिन के लिखनी पड़ेंगी। टर्न्स मैंने नहीं इसमें बताई, टर्न्स जो भी आप गिनोगे वो आपको लिखनी पड़ेंगी, टर्न कितनी है वो भी अगर लिखना चाहो तो आप गिन के लिख सकते हैं। ये आपकी एक बारी घुमाया, अब ये दूसरी बारी घूम रहा है इसी में, ये दूसरी बार, ये दूसरी बार, ये वाला। तो इससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई डाटा हम कैसे लेंगे, कौन काटेगा इसका, कि हम डाटा किसी से ले लेते हैं फिर उनकी मोटर की स्पीड नहीं बनती, फिर मोटर गर्म होती है, तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो बेचारे नए न्यू कमर होते हैं उनको ये दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, अगर वो वीडियो पूरा देखेंगे तो उनकी ये मदद कर सकता है कोई। तो ये वीडियो पूरा देखें और जो तब आप इसको आपको समझ आएगा कि वीडियो में आपको क्या आपको दिक्कत नहीं आई कोई भी चीज़ की। थोड़ा सी आपको मेहनत जो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आपको ये कॉइल निकाल ली है, तो आपकी जो आपकी 3:08 की ये 1:10 की निकाली है वो आपके 1:10 की सिंगल है, 2:09 में आपकी डबल है, ठीक है। और आप 3:08 की मैं निकाल रहा हूँ वो भी आपकी डबल है, ये वाली ये डबल है। तो मैंने देख लिया, तो मैंने ऐसी कॉइल को निकालना है, तो ताकि ये अभी कॉइल निकालने के बाद ताकि आपका वीडियो बड़ा ना बने, इस करके मैं फ्लिप कर रहा हूँ कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने ये स्टार्टिंग की 2 कॉइलें निकाल ली हैं, तो इसकी वो ये पीछे आपकी है 3:08, 2:09 और 1:10 डबल डबल सिंगल। तो इसकी जो कॉइल निकली है, तो इसकी कॉइल का अगर आप इसमें नापोगे आप, तो थोड़ा सा आपको फालतू लेना पड़ेगा जितना आप इसे नापोगे, क्योंकि कॉइल यार टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये आपकी निकल रही है
92 सेंटीमीटर, तो आप इसको 94 ले सकते हैं, फालतू लेना चाहिए आपको जितना भी निकले। तो ये 94 जो इसका कॉइल साइज कितना है, 94 सेंटीमीटर कॉइल साइज। सर अगर ये थोड़ी बहुत लंबी हो जाए तो उससे कोई फर्क पड़ता है? बढ़िया हो जाते कोई बात नहीं, आप छोटी कर सकते हैं अगली कॉइल में, वो तो आपको डाल के देखना पड़ेगा कि पेपर आप किस तरह से डालते हैं, कोई पेपर टाइट डालता है कोई बड़ा डालता है। टन इसकी गिनी थी वो इसकी थी आपकी 115 निकली थी, तो हम इसको फालतू टन्ने ले रहे हैं इससे 5-10 टन्ने क्यों, क्योंकि वो गिनती में फ़र्क भी आ सकता है। अभी गिनी है हमने टन्ने इसकी जो है आपकी 125, आप इसकी टन्ने ले सकते हैं टर्न्स, ये टर्न्स आपकी। तो आपका ये पहले आपने स्टार्टिंग का ले लिया, SWG हमें पता नहीं है, वैसे आमतौर पर जो है तार इसमें 32 नंबर या 33 नंबर लगती है, जो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ 32 नंबर या आपका 33 नंबर। सर वायर साइज कैसे पता करेंगे सर? एक बात और बता दूँ, ये जो मैं आपका डाटा ले रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ जो, ये आपका जो है ये कॉपर वाइंडिंग का है, ये मोटर कॉपर वाइंडिंग ही है मोटर, ये सिल्वर वाइंडिंग नहीं है। तो कॉपर वाइंडिंग और सिल्वर वाइंडिंग में भी आप ऐसे ही डाटा ले सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई आपके पास ऐसी मोटर आ जाए जिसकी स्पीड ना बने, तो आप किसी से भी कॉपी से कहीं से भी पूछो, किसी चैनल में पूछ लो कि भी आपका डब मोटर की स्पीड नहीं बन रही, तो आप कृपा करके आपको डाटा निकालना आना चाहिए, जो न्यू कमर है उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो उसके बाद मैं आपको अब रनिंग का बता रहा हूँ कि रनिंग का कैसे हम ले रहे हैं। तो रनिंग का ये आपकी 4 कॉलें हैं डली हुई, तो ये अलग से कॉल है अभी, इसकी पहले आप तो पिच ले लो आप। ये आपकी जो है कॉल है, ये सिंगल कॉल है ये वाली, तो इसमें आपका 3, 4, 5, 6, 7, तो 3, 7, उसके बाद 3, 7, तो ये मैंने 3, 7 में आप पहले लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि 3, 7 की है। तो 3, 7 है पहले, 3, 7, उसके बाद फिर 2, 8 और 1, 9। तो ये तो आपकी होगी, आपको कंफर्म होगी कि भी आपकी ये है। अब इसमें कितनी बार कॉल घुमाई है ये आपको बताना है कि भी ये का एक साइड से थोड़ा काट लो, चाहे तो आपको क्योंकि आपने लंबी कॉइल लेनी है तो आपको थोड़ा इसको दबाना पड़ेगा, पेचकस से आप इधर कर लो तो अभी इससे और तो पता चल जाएगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा। तो अब इसमें पहले आप यहीं पे देख लो कि इसमें कितनी बारी घुमाई हुई है, इसी को आप अगर थोड़ा दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी बारी घुमाई हुई है। तो आपको ये थोड़ा सा दबा के पता चल जाएगा कि भाई इसमें कितनी बारी है, ये एक दिख रहा है ना, ये एक। तो अब इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, तो मेहनत से पीछे हटनी ही नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें कल को अगर कोई मोटर हमारे पास ऐसी आ जाती है जिसका डाटा भी कहीं ना मिला हो तो डाटा आप कृपा करके ज़रूर लें। तो डाटा आपको लेना, ये देखो 3 होगी ना, तो ये आपकी जो है 1, जो 9 है वो आपकी 3 बारी है, तो इसमें पता चल गया आपको। अभी आपने हमने मोटर भी खोली नहीं, मैंने इसका कॉलिंग बाहर निकाली, तो उसके बाद आप ये देख लो, उसके बाद आपकी 3-8 की, 3-8 की भी आप थोड़ा सा दबा दो, क्योंकि उसमें पानी से रखी होती है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 2-8 की मैं आपको निकाल रहा हूँ, ये 2-8 की जो है ये डबल है, ये देखो डबल, तो आप निकाल सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भी आपसे नहीं निकलेगा। तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये 2-8 की भी आपको पता चल गई, इसकी भी पता चल गई आपकी। तो पहले आप ये कॉइल निकालना शुरू करेंगे, सबसे छोटी वाली से निकालो, जब बड़ी वाली से निकालो, क्योंकि आपकी जहाँ आसानी पड़ रही हो। तो ये 2-8 होगी, और ये जो आपकी है 3-7 है, ये सबसे नीचे वाली। पहले हम सबसे ऊपर वाली निकाल लेते हैं, जैसे मर्जी आप निकाल लो, पर आपको आसानी जहाँ से पड़ रही हो आप निकाल लो पहले। तो पहले आप ये वाली निकाल लो कॉइल, सबसे ऊपर वाली, तो इसको आप काट लो। तो ये आपको मैंने ये एक थोड़ा सा पीस काट लिया एक साइड से कि ताकि वीडियो बढ़ाना हो, वही विधि है इसको निकालने की भी। तो ये आपकी ये जो आपकी डबल है, ये वाली डबल डबल और ट्रिपल, यानी कि आपका जो है यहाँ पे 3-7 जो है आपका डबल है, 2-9 डबल है, और 1 जो 9 है वो ट्रिपल है, यानी कि 3 बारी। तो ये 3 बारी है, टर्न इसकी जो गिनी है, टर्न्स जो है इसकी 85 आ रही हैं, तो कईयों में 85 होती हैं, कईयों में 83 होती हैं, तो 85 हैं, तो आपको 85 इसकी टर्नें हैं। तार नंबर अभी हमारे को पता नहीं है कि कितनी है,
वैसे आमतौर पर तार नंबर होती है या आपकी ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29 नंबर तार होती है या आपकी 30 नंबर तार होती है। तो इसकी जो तार होती है यहाँ पे बीच में आ गया, तो ये आपकी ये तार नंबर इसमें है आपकी 33 नंबर, 32 या 33 आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो बाकी जो टर्ने मैंने आपकी 125 बताई हैं, इसकी जो टर्ने हैं जो गिनी है वो मैंने आपको बता दी है, 58 साइज है आपकी। क्वायर साइज का लेना पड़ेगा क्योंकि पूरी क्वायर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको अगला एक वीडियो और बताना है कि भाई इसको मोटर को आसानी से कैसे काटें। इसमें तो सिर्फ डाटा लेने के लिए हमारे को इतनी मेहनत करनी पड़ी है। अब उसके बाद जो बाकी की मोटर जो हमने काटनी है, इसका कि मैंने क्वायर ये नहीं निकाली, तो ये निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताऊँगा, अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे आसानी से काट सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताना था कि 3600 की मोटर है ये, इसको आप डाटा आप कैसे आप ले सकते हैं। तो ये मोटर का आप डाटा आपने ले लिया, सिर्फ आपका कॉइल साइज रह गया है। कॉइल साइज आपको लंबी कॉइल को ऐसे ही निकाल के आप उसका कॉइल साइज ले सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाटा कैसे हम निकालते हैं कूलर की मोटर का वो आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।